प्राकृतिक शहद उत्पादन और उसका वितरण भारत में इसीलिए तेजी से नहीं बढ़ रहा क्योंकि असली नकली शहद को लेकर भारत में कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि असली शहद कभी जमता नहीं और ना ही वो दानेदार होता है, जबकि शहद का दानेदार होना और जमना उसकी शुद्धता की निशानी है और ये निर्भर करता है उन फूलों पर जिनका रस चूसकर मधुमक्खी ने शहद बनाया है। हर फूल में डेक्सट्रोज और लेविलोज की मात्रा पाई जाती है। यदि मक्खी डेक्सट्रोज की ज्यादा मात्रा वाले फूलों के रस से शहद बनाती है तो वो जल्दी दानेदार हो जाता है और यदि डेक्सट्रोज की कम मात्रा वाले फूलों से शहद बनाती है तो उसको दानेदार होने में समय लगता है। इसके अलावा शुद्ध शहद में पाए जाने वाले डस्ट, बी पोलन और वैक्स पार्टिकल भी शहद को दानेदार बना देते हैं। कम तापमान भी शुद्ध शहद को जमा देता है, इसीलिए उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उन्नत कृषि उत्पादक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन राजस्थान राज्य में आईसेप के सहयोग से बने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का एक राज्य स्तरीय फेडरेशन है, जिसमें बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर जिले के 6 एफपीओ मुख्यतः शामिल हैं। ये फेडरेशन सदस्य एफपीओ को बेहतर उत्पादन तकनीक और मार्केट लिंकेज के अवसर उपलब्ध कराती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वीट हनी मिशन के अंतर्गत उन्नत कृषि उत्पादक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सभी सदस्य एफपीओ के द्वारा शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग का काम काफी गतिशील है। शहद उत्पादन में मधुमक्खी के बक्सों को नियमित अंतराल पर फूलों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जगहों पर माइग्रेशन, शहद निकालना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की जटिलता को देखते हुए शहद उत्पादन के कार्यक्रम को केंद्रीकृत कर सामूहिक रूप से चलाने की योजना बनाई गई, जिसमें एसोसिएशन के मार्गदर्शन में सारे बक्से एक साथ इस उत्पादन के कार्यक्रम में लगाए गए। इस प्रकार से माइग्रेशन, देखरेख, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर आने वाले व्यय को नियंत्रित किया गया और साथ ही साथ शहद की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया गया। इस व्यापार में सदस्य एफपीओ शेयर होल्डर हैं। दूध के बाद शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आहार की पूरी मात्रा होती है। 60,000 मधुमक्खियों की प्रजातियों में से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा करती हैं और सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मारती। मधुमक्खियों के छत्ते का तापमान 33 डिग्री हमेशा बना रहता है, जिसको गर्मियों में बनाए रखने के लिए ये पंखों से हवा देती हैं और सर्दियों में एक साथ चिपक कर गर्मी देती हैं। छत्ते में बी पोलन की मात्रा पाई जाती है, जो सर्दी, खांसी जैसी कई बीमारियों में असरदार होती है। शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता और इसमें एंजाइम, प्रोटीन, मिनरल जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। मधुमक्खियां अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा शहद का निर्माण करती हैं। इस वीडियो में हमने आपको शहद निर्माण की प्रक्रिया दिखाई, उन्नत कृषि उत्पादक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के बारे में जानकारी प्रदान की एवं शहद निर्माण से जुड़े फैक्ट बताए, ताकि आप देसी शहद उत्पादकों से सीधे शहद खरीदकर देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा दे सकें।